देखिए चैप्टर वन डिस्ट्रीब्यूशंस। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस दो टाइप के हैं, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस और कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्क्रीट में सबसे पहला है यूनिफॉर्म। ये स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो हमारे काम आएंगे, या स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, बर्नौली बाइनोमियल पॉइजन जियोमेट्रिक नेगेटिव बाइनोमियल एंड हाइपर जियोमेट्रिक। सो दीज आर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस, ये हमारे कोर्स में है। दूसरा है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म इकलौता डिस्ट्रीब्यूशन है जो डिस्क्रीट भी है कॉन्टिन्यूस भी है। देन वी हैव एक्सपोनेंशियल, देन वी हैव गामा, देन वी हैव बीटा, नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल, लॉग नॉर्मल, काई स्क्वायर, टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो दीज आर 12 कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस एंड 7 डिस्क्रीट। इसमें आप एक और डबल एक्सपोनेंशियल भी बोल सकते हैं, डबल एक्सपोनेंशियल। सो दीज आर डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्ट्रीब्यूशंस ये मॉडल्स हैं, पहले लिखो फिर बताता हूँ मैं आपको। इलेवन वेबुल, WEIBULL, और 12 लिखा पैरेटो, PAREETO। और 13 है डबल एक्सपोनेंशियल, PAREETO। डिस्ट्रीब्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया DIST। यश कृष्णा, अच्छा कृष्णा तो आता था क्लास में। हाँ ओके, नाउ लिसन एवरीवन, व्हाट इज इम्पोर्टेंट अबाउट ऑल दिस डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है ये एक्चुअली, क्या होता है। एक वर्ड होता है स्टूडेंट, मॉडल्स। व्हाट डू मीन बाय द वर्ड मॉडल? जैसे आपने भी देखा होगा कि रैंप पे मॉडल्स चलती हैं, कपड़े पहन के वो मॉडलिंग करते हैं, ये वही मॉडल्स हैं। मॉडल्स का मतलब होता है जो रियल वर्ल्ड की सिचुएशन को इमिटेट करता है। किसकी बेटा? रियल वर्ल्ड की सिचुएशन को क्या करता है,
उसको मॉडल बोल देते हैं भाई, आप अपने घर पे एक मॉडल बनाया, तो वो मॉडल ऐसा होता है जो रियल वर्ल्ड में भी हो सकता है। तो ये भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो भी दुनिया की आपकी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बीइंग एन एक्चुअली योर जॉब इज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, राइट? तो आप कैसी कैसी प्रॉब्लम आ सकती हैं भाई, एक्सीडेंट किस तरीके से हो सकते हैं, एक्सीडेंट होने के तरीके हैं, या तो आज एक्सीडेंट होगा नहीं होगा, एवरेज कितने एक्सीडेंट होंगे, जब तक एक्सीडेंट नहीं होगा तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, आप समझ रहे मेरी बात को? तो एक्सीडेंट होने के तरीके बहुत सारे हैं। तो जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इज अ डिस्क्रीट प्रॉब्लम, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इज अ, अब डिस्क्रीट में वो इनमें से कोई एक प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले को फॉलो करेगी, आप समझ रहे हैं? तो प्रॉब्लम्स जो हैं डिवाइड किए हैं। अब एक्सीडेंट होगा तो लॉस होगा, तो लॉस कॉन्टिन्यूस होता है, तो लॉस उनमें से इन तरीके से हो सकता है। अब जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंटरिंग इनटू द क्लास, आज कितने बच्चे आए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, या तो आज चन्नीत आएगा नहीं आएगा, या तो एवरेज कितने बच्चे आएंगे, जब तक चन्नीत नहीं आएगा हम क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं ना। सो दिस इज कॉल्ड एज अराइवल पैटर्न, दिस इज कॉल्ड एज, सो व्हेनेवर वी वांट टू डिस्कस द अराइवल पैटर्न्स, सो अराइवल पैटर्न, तो हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं। तो डिस्क्रीट में ये डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, इनके नाम देंगे इनके कर्मों के हिसाब से, इनके नाम इनके कर्मों के हिसाब से हैं, राइट? तो ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम इनमें से किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही होती है, और ये स्टैंडर्ड है, इनका हमें मीन भी पता होगा, वेरियंस भी पता होगा, एमजीएफ भी पता होगा, हम फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन ऑल मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होगी वो इनमें से किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगी, और वो डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता होना चाहिए, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो जब आपने ये कोर्स स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम कैसी कैसी होती है। हमने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, राइट? फिर उनके लिए पीडीएफ बनाए, मीन वेरिएंस निकाले, ऐसा किया कि नहीं किया? हाँ। अब हमने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर ली। अब यहां पर क्या है कि प्रॉब्लम्स पता है, अब वो पीडीएफ बनाना नहीं, बना बनाया दिया हुआ है, रेडीमेड है। अरे समझे कि नहीं? तो ये रेडीमेड फॉर्मूले मॉडल्स दिए हुए हैं, इनमें से आपको चूज करना है कौन सा लगाना है। तो डिस्क्रीट के मॉडल जो हैं वो बात करते हैं अराइवल पैटर्न ऑफ क्लेम्स, अराइवल पैटर्न ऑफ, और जो कॉन्टिन्यूस वाले वो बात करते हैं क्लेम साइज, या यूं कहो डिस्क्रीट वाले बात करते हैं अराइवल पैटर्न, और कॉन्टिन्यूस वाले बात करते हैं वेटिंग टाइम। क्या बात करते हैं बेटा? वेटिंग टाइम। बट वेटिंग टाइम कैसा कैसा हो सकता है? तो हमें हमें आरिका स्टैंडर्ड फंक्शंस दिए हुए हैं, यही फंक्शंस है हमारे कोर्स में, या इनसे थोड़ा मोटा काट छाट के कुछ और बना सकते हैं बस, पर ज्यादातर हमारा कोर्स जो है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा। तो ये स्टैंडर्ड फंक्शंस हमें ऐसे समझने होंगे जैसे कि हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमें इनसे इतना ज्यादा अवेयरनेस रखनी पड़ेगी इनकी, ठीक है? तो चन्नीत, कोई नहीं, तुम लेट थे, कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा, चैप्टर वन स्टार्ट कर रहे थे आज डिस्ट्रीब्यूशंस, और आप सब लोगों को बता देता हूँ मैं इस लेक्चर के माध्यम से कि अगला 1.5 महीने का शेड्यूल आपको मिल जाएगा, क्लासेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, 4-4 क्लास हो जाएंगी, ड्यूरेशन बढ़ जाएगी आपकी, अगर आपने साथ साथ नहीं चले तो बहुत पीछे रह जाएंगे मेरे बच्चों, लेकिन साथ साथ चलने का एक मज़ा है बड़ा है। क्या मज़ा है कि जो प्रॉब्लम की साथ ही सॉल्व हो गई, पीछे बैकलॉग में कुछ नहीं छोड़ा हमने। तो हम इस तरह से नहीं कि मेरा सिर्फ टीचिंग चलेगा, वहाँ सॉल्विंग भी चलेगा, हम मिलकर सॉल्व भी करेंगे नहीं क्लासेस के अंदर। अरे ठीक है, तो ये मंडे आपको शेड्यूल सबको मिलेगा, और मंडे से प्लीज 1.5 महीने के लिए वो शेड्यूल आप सबको शिद्दत से फॉलो करना है। आपका कॉलेज है नहीं है मुझे खास मतलब नहीं है उस बात से, ठीक? तो ये डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, इनको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट, क्योंकि पहले तो आप आओगे ना उसके बाद तो इंतजार करोगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं अराइवल पैटर्न ऑफ क्लेम्स, राइट? तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस अबाउट द अराइवल पैटर्न। अब उसमें सबसे पहले हमने ले लिया डिस्क्रीट यूनिफॉर्म। बड़े ध्यान से सुनना है मेरी बातों को, और घर जाओगे तो भी सुनना है क्योंकि वीडियो अपलोड हो जाता है। सो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये किसकी बात कर रहा है? डिस्क्रीट वाले डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बात करते हैं? अराइवल पैटर्न। डिस्क्रीट में किसकी बात होती है बेटा? अराइवल पैटर्न। जैसे कि आप लोगों का आना, आपके फोन पे कॉल का आना, डाइस रोल करेंगे 6 का आना, कॉइन टॉस करेंगे हेड का आना, अराइवल पैटर्न हुआ ना ये, तो अराइवल पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं। अब डिस्क्रीट यूनिफॉर्म की क्या खास बात है?
कहता है सबसे पहले कैसे पता चलेगा कि दैट दिस प्रॉब्लम बिलोंग्स टू द डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. तो कोई भी प्रॉब्लम डिस्क्रीट यूनिफॉर्म से बिलोंग करेगी, सबसे पहले तो जितने भी नंबर होंगे सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी होगी. वहां से ही वर्ड क्या है बेटा, यूनिफॉर्म. तो इक्वल प्रोबेबिलिटी, सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा इक्वल प्रोबेबिलिटी टू ऑल पॉसिबल वैल्यूज, टू ऑल पॉसिबल वैल्यूज. सबसे पहले तो उस क्वेश्चन में ये पहचान है. दूसरी पहचान क्या है, कंजिक्यूटिव वैल्यूज आर इवनली स्पेस्ड. कंजिक्यूटिव वैल्यूज आर इवनली स्पेस्ड विद द स्पेस ऑफ वन, इवनली स्पेस्ड विद द स्पेस ऑफ वन. जैसे उदाहरण, रुको लिखना नहीं है प्लीज, समझिए पहले, समझ के बाद लिखिएगा. एग्जाम्पल नंबर वन, रोलिंग अ डाइस, दिस इज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन. अ डाइस हैज हाउ मेनी फेसेस, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इज दिस करेक्ट? पहले मुझे बताओ वन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टू आने की भी, थ्री आने की भी, तो किसी भी फेस के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है क्या? क्या ये वाला पॉइंट नंबर वन इज सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड? पॉइंट नंबर टू, कंजुगेटिव वैल्यूज आर इवनली स्पेस्ड. कैसे स्पेस्ड होना चाहिए? विद द स्पेस ऑफ. मुझे बताओ इनमें गैप कितने का है, इसमें कितने का है? अरे बोलो, सब में इवनली स्पेस्ड बाय द स्पेस ऑफ वन है. तो ये प्रॉब्लम चीख चीख के कह रही है कि मैं डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम हूं. अरे है कि नहीं? सो दिस प्रॉब्लम इज अ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. दोनों बातें सेटिस्फाई हो गई कि नहीं हो गई मेरी? हो गई. एग्जाम्पल नंबर टू, रुक ध्यान से पहले देखिए, सिर्फ बोर्ड पे लिखना नहीं है. टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन? आई हैव टेकन 1/2 वेयर एक्स इज 0 एंड 1. पहला वाला पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है क्या? डज द फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाइड हो रहा है? इक्वल प्रोबेबिलिटी टू ऑल पॉसिबल वैल्यूज, जीरो आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है और वन आने की भी क्या है, इक्वल प्रोबेबिलिटी सेटिस्फाइड. दूसरा पॉइंट क्या था, स्पेस में गैप कितना है? इट इज इवनली स्पेस विद द स्पेस ऑफ व्हाट? क्या मेरे वन और टू दोनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं? सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ विच डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर है बेटा? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थ्री, एग्जाम्पल थ्री मेरे बेटा, दिस इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन 1/3 वेयर एक्स इज इक्वल टू 10, 1, 10 एंड 100. पहले बताओ कितनी वैल्यूज है वहां पर, 1, 10 एंड 100? डज देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी टू ऑल पॉसिबल वैल्यूज? द फर्स्ट पॉइंट इज सेटिस्फाइड, लेकिन क्या सेकेंड पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है? स्पेस ऑफ 9, 90, यस और नॉट? तो पॉइंट नंबर टू सेटिस्फाई. तो क्या ये प्रॉब्लम डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की है कि नहीं है? अरे नहीं है ना? समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं आई? तो कोई भी प्रॉब्लम डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम कब होगी? जब ये दो बातें सेटिस्फाई होंगी, इक्वल प्रोबेबिलिटी टू ऑल पॉसिबल वैल्यूज, और जो कंसेक्यूटिव वैल्यूज हैं दे आर इवनली स्पेस्ड विद द स्पेस ऑफ. अरे करेक्ट, उतारिए पहले.
लिख लिया बेटा ऋतिका? ओके चलिए जी, ये तो समझ में आ गया सर कि कैसे डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की पहचान करें हम। अब फॉर्मूला बनाना सीखते हैं, लेट राइट। सो हाउ टू राइट द पीएमएफ, दैट इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, होता है 1/ नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। फॉर्मूला बनेगा 1/ नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, ये फॉर्मूला ऐसे बनेगा। अब मेरे बेटा ध्यान से देखना थोड़ा, यहां पर ए, लेट मी राइट ए, कुछ और कलर लिख दूं, येलो ले लेता हूं। चलो ए इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ए को मैंने क्या बोल दिया बेटा यहां पर, स्मॉलेस्ट वैल्यू बोल दिया मेरे बच्चे। ओके लेट मी टेक दिस एज बी। हाँ जी बोलो क्या? हाँ लार्जेस्ट वैल्यू, ए स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गया, बी क्या हो गया बेटा? हाँ मतलब कोई भी रेंज लेंगे, जैसे 1 to 6 लिया तो 6 लार्जेस्ट हो गया, 1 स्मॉलेस्ट हो गया ना बेटा। अब नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज बताना है, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज कैसे निकलेगा? सो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज इज, एनीवन गेस, इट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1। डिस्क्रीट के अंदर नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज निकालने का ये फॉर्मूला है, अपर लिमिट लार्जेस्ट वैल्यू माइनस द स्मॉलेस्ट वैल्यू प्लस 1, ये फॉर्मूला है। जैसे उदाहरण, उदाहरण देखो पहले, उदाहरण मेरे पास नंबर है यहां पर मेरे बेटा 6, 7, 8, 9 और ये 10। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू हियर इज एंड लार्जेस्ट इज 10, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज क्या हुआ मेरे बेटा? वो तो पता ही है, 5 दिख रही है ना, फॉर्मूले से भी 5 ही आने चाहिए। तो इट इज 10 माइनस 6 प्लस, क्या आंसर 5 आ रहा है बेटा? एक मिनट और, एक मिनट और। ओह हो, थीटा माइनस 5, थीटा माइनस 4 0, थीटा प्लस 4 थीटा प्लस 5। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू हियर इज, स्मॉलेस्ट इज, लार्जेस्ट इज, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज आपको आ जाएगा क्या, लार्जेस्ट माइनस द स्मॉलेस्ट प्लस क्या आ रहा है बताओ? यस देयर आर 11 वैल्यूज, जीरो भी तो आ जाएगा ना, 5 बड़ी हो गई 5 छोटी हो गई, बीच में जीरो भी तो है बेटा एक। तो क्या ये तरीका ठीक है नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज काउंट करने का? सो व्हाट इज द फॉर्मूला देन, देन व्हाट इज द पीएमएफ स्टूडेंट्स? पीएमएफ फॉर डिस्क्रीट यूनिफॉर्म इज 1/ क्या बेटा, बी माइनस ए। यस अच्छा ये वाला फॉर्मूला ना आपको कोई कॉलेज में भी नहीं बताएगा, पता ही नहीं होगा काफियों को तो। और जो एक्स की रेंज होती है वो कहां से स्टार्ट हो रही है मेरे बेटा? ए, ए प्लस 1 डाडा लास्ट में बी, ए प्लस 1 है ना, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा बेटा ये बी। तो बताओ नेक्स्ट टाइम ए प्लस 1 वाली बात बात वाली टर्म कौन सी है? ए प्लस 2, यस ए प्लस 2, ऐसे डॉट 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 करके बी तक, बी से पहले वाली कौन सी टर्म है? यस अरे ये फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा बताओ? ओके अब इसका मीन बताना, मीन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, याद कर लेंगे कि नहीं? याद करने से ही फायदा है आपको, बार बार सॉल्व करेंगे टाइम लगेगा। दिस इज मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, आप फाइंड कर सकते हैं। वेरियंस, वेरियंस इज नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज का स्क्वायर माइनस 1/12। सो व्हाट विल बी द वेरियंस गाइस, क्या हो जाएगा वेरियंस बताओ? बी माइनस ए प्लस 1 का
माइनस वन बाय 12, अरे यही होगा ना बेटा. तो दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म, दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की ओरिजिनल फॉर्म है ये. लेकिन हम कॉलेज में कुछ और पढ़ते हैं, मैं बताऊंगा आपको क्या पढ़ते हैं. पहले उतारो बेटा सारे बच्चे इसको. प्रॉपर्टी मास फंक्शन डिस्क्रीट में होता है बेटा. हाँ ये यूनिफॉर्म का है. हो गया वेरिएंस ऑफ एक्स का. हाँ आंसर सीधा याद कर लो. हाँ डिनोमिनेटर बेटे अभी कर लेते हैं, वेरिएंस करके देख लेते हैं ना. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल के सॉल्व करके आएगा ना बेटा. फिलहाल तो प्लीज मेमोराइज, घर में निकालिएगा ना, मिनी वेरिएंस निकालने सिखा रखे हैं. अपने आप आ जाएगा 12 यार, टेंशन का ले रहा देख. सो हाउ डू वी राइट एक्स फॉलोज यूनिफॉर्म ए कॉमा बी वेयर ए बी आर कॉल्ड एज पैरामीटर्स. यहां पर ए और बी को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, व्हाट आर पैरामीटर्स. किसी को पता है पैरामीटर्स क्या होते हैं? कोई बच्चा स्टैट्स वाला मैथ्स वाला कोई भी बच्चा बता सकता हो मुझे कि सर पैरामीटर हम इस चीज को कहते हैं? यस बिल्कुल क्लोज हो आप किसी चीज को. हाँ ओके एनीवन, पैरामीटर्स लिखो. यहां पर पैरामीटर्स हैं ए और बी, तो पैरामीटर्स होते क्या है पहले लिख लो. यहां पर पैरामीटर्स, यहां पर पैरामीटर्स क्या है बेटा? न्यूमेरिकल लिखो पैरामीटर्स की डेफिनेशन. न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन अ डिस्ट्रीब्यूशन. न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन अ डिस्ट्रीब्यूशन. न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन अ डिस्ट्रीब्यूशन. तो डिस्ट्रीब्यूशन को उनके पैरामीटर से भी पहचाना जाता है.
सो यहाँ पर पैरामीटर्स का मतलब है दे आर द न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिफाइन अ डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पर डिफाइन किया गया स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू से, किया गया कि नहीं बताइए. और सारा PDF, PMF, मीन वेरियंस सब स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की वजह से ही आया कि नहीं आया बताइए. अब प्लीज देखिए यहां पर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. क्या था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन? 1 अपॉन बी माइनस ए प्लस 1 रेंज ऑफ एक्स ए ए प्लस 1 ऐसे करते करते बी माइनस 1 और बी. व्हाट इज द मीन? ए प्लस बी बाय 2. व्हाट इज वेरियंस? प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 12. अच्छा जी माइनस 1, ठीक है. अब सुनो ध्यान से, ये एक्स है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म. इसके पैरामीटर्स हैं ए और बी. ए इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, बी इज द लार्जेस्ट वैल्यू. ओके, आप लोगों ने, किसी ने भी, चाहे रितिका हो, कोई स्टैट्स का बच्चा हो, चाहे ना स्टैट्स का बच्चा हो, किसी ने ये वाली फॉर्म नहीं पढ़ी है. आप सबने कौन सी फॉर्म पढ़ी है, अगर कॉलेज में पढ़ी भी है तो? अ पर्टिकुलर केस, अ पर्टिकुलर केस. व्हाट इज दैट पर्टिकुलर केस? इज कहता है पर्टिकुलर केस कैसे बनेगा, ए को 1 रख दो और बी को एन रख दो. ए को 1 और बी को एन, ठीक. तो आपका पीएमएफ क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज 1 अपॉन एन एंड एक्स की रेंज 1, 2, 3 डैश डैश टिल वेयर. व्हाट इज द मीन? ए प्लस बी बाय 2 ना. व्हाट इज वेरियंस? नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर माइनस 1/12. टर्म्स कितनी बताओ इसमें? एन. तो एन का स्क्वायर माइनस 1/12 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ टर्म्स कितनी है? फंक्शन 1/n. सो दिस इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ यूनिफॉर्म. तो ज्यादातर बच्चे कॉलेज में इसी वाले केस को ही पढ़ते हैं. जब भी वो बात करते हैं इसी केस की बात करते हैं. जैसे कि उदाहरण के तौर पे कॉलेज में यही वाला और किताबों में भी यही लिखा हुआ है, ओरिजिनल केस नहीं लिखा हुआ है कहीं पे भी, फिर वो बच्चे फंस जाते हैं. बताओ क्या ये पर्टिकुलर केस है? कैसे पता पर्टिकुलर केस है? कहां से स्टार्ट हो रहा है ये? 1 से. अगर 1 से रेंज स्टार्ट हो रही है तो ये पर्टिकुलर केस है. इवनली स्पेस बाय द स्पेस ऑफ 1, इक्वल प्रॉपर्टी है कि नहीं? तो कितनी कितनी वैल्यूज हैं? तो 1/6 इज द प्रॉपर्टी. मीन क्या होगा? ए प्लस बी बाय 2. वेरियंस क्या होगा? अरे एन का स्क्वायर माइनस 1/12. अरे डायरेक्ट आंसर आ गया ना हमारे पास. सो दिस इज द पर्टिकुलर केस जहां पर रेंज कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है. 1 to 6, 1 to 20. 1 to कहां ले लूं मैं? 20. अरे समझ में आ गया बात? उतारो उतारो. एक्स बिलोंग्स टू कहां लिखा है? एक्स फॉलोज, फॉलोज. यू स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स ए एंड बी. ए इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, बी इज द लार्जेस्ट वैल्यू.
तो पार्टिकल केस समझ में आ गया बेटा। अब देखिए, एग्जाम्पल बोर्ड पे ध्यान से। एक्सक्यूज मी, डज दिस इज अ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट? डिस्क्रीट है ये, पता है। यूनिफॉर्म है, क्यों नहीं है? हाँ, इवनली स्पेस तो है, बट स्पेस टू का है, किसका इतना होना चाहिए। अच्छा, अब आपको एग्जामिनर बोल रहा है फाइंड मीन वेरिएंस, तो सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्क्रीट यूनिफॉर्म तो बन ही रहा है। तो क्योंकि हम स्मार्ट बच्चे हैं, हमने ट्रांसफॉर्मेशन सीखी है, तो हम इसको डिस्क्रीट यूनिफॉर्म बना सकते हैं। लेट्स राइट, क्या बनाओगे? वाई को नया वेरिएबल ले लिया y, विच इज x बाय 2, लिखना पसंद करोगे कि y को x प्लस 2 बाय 2 लिखना पसंद करोगे? चॉइस, अगर x बाय 2 लिखते हो तो y की रेंज क्या आती है? ये आती है ना, और इस वाले की रेंज क्या आती है? 12। कौन सा वाला आपको लगता है इजी होगा आपके लिए? क्यों? बिकॉज इट इज अ पर्टिकुलर केस, बिकॉज इट इज अ तो जब भी आपको कभी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, चीज को ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो इतनी आसान तरीके से बनाओ ताकि आसानी से आंसर आ जाए हमारा। तो बताओ, यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई तो सेम ही रहेगा ना, और रेंज भी हमारे को क्या मिलेगी, 1 to 12 मिलेगी नहीं? व्हाट इज द मीन? अरे 13/2, व्हाट इज द वेरिएंस? अरे बोलो बेटा। सो नाउ वी आर एबल टू फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ वाई, लेकिन हमें तो किसका मीन वेरिएंस निकालने को बोला था उसने? तो एक्स का निकाल सकते हो क्या यहां से? वाई की वैल्यू क्या है बताओ? एक्स बाय 2 प्लस, या एक्स प्लस 2/2 कर लो, जो भी मर्जी है आपकी। अरे ना समझे क्या? एक्स प्लस 2/2 इज इक्वल टू 13/2 करने से क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आ जाएगा बेटा? अरे यहां से एक्सपेक्टेशन एक्स निकाल लोगे ना, ऐसी वेरिएंस ऑफ एक्स भी निकाल लोगे कि नहीं? तो ट्रांसफॉर्मेशन करना क्यों पड़ा? ताकि हम अपने स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में मिला पाए। और स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन शक्ल से क्यों मिलाना है? क्योंकि उसका मीन वेरिएंस हमें टिप्स पे है, हमें इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं कि नहीं बेटा? और इसमें भी मैंने पर्टिकुलर केस क्यों बुलाया? क्योंकि वो और आसान था। मैं ऊपर वाले केस से भी कर सकता हूं, पर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अरे ऐसे करना पड़ता है ना, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1/12 एंड सो ऑन, वी हैव टू डू लाइक दिस। तो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, ट्राई टू ब्रिंग इन टू द विच फॉर्म? यस, पर्टिकुलर फॉर्म। आई होप दिस इज क्लियर। तो इससे मीन वेरिएंस निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा थोड़ा सा। वैल्यूज तो सेम ही है ना, वन बाय 12 आएगी क्या? ऊपर भी ना, ऊपर भी 1/12 आएगा ना? क्या बेटा, प्रोबेबिलिटी तो सेम ही, वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यूज आर सेम ना, नंबर ऑफ वैल्यू सेम है, तो प्रोबेबिलिटी भी क्या रहेगी बेटा? सेम। सॉरी, वो 11 नहीं था, 12 था, बाय मिस्टेक कर दिया, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया ना मैंने।
हो गया। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, एक्स एंड वाई आर डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन विद मीन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विद रेंज 0, 1, 2, -10 एंड 1, 2, 3, -10 फाइंड वेरियंस ऑफ एक्स माइनस वेरियंस ऑफ वाई। लगाइए दिमाग अपने आप। एक्स एंड वाई डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विद रेंज 0, 1, 2, 10 एंड 1, 2, 3, 10 फाइंड वेरियंस ऑफ एक्स माइनस वेरियंस ऑफ वाई।
हो गया क्वेश्चन? नहीं हुआ, क्या आंसर आया? एग्जाम्पल टू लिखो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विजिट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विजिट अल्फा प्लस, on weekends is uniformly distributed with range 20, 21, 22, dash 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 80. Find expectation of x square. 20, 21, 22, dot 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 80 tak. Find the second moment. सेकेंड मोमेंट एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर। बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विजिट, ठीक है, विजिट अल्फा प्लस ऑन वीकेंड्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद रेंज 20, 21, 22, डैश 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 80। फाइंड द सेकेंड मोमेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। फर्स्ट का आंसर क्या आया था? हाँ, 7/4, ठीक है। क्या हुआ? वेरियंस निकालो ना, मीन निकालो। वेरियंस के फॉर्मूले में डालो, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, लिखो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ एक्स माइनस प्लस, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना, प्लस मीन का स्क्वायर। तो वेरियंस ऑफ मीन निकालना पड़ेगा ना। बेटा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी निकालो और एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स भी निकालो, पुट कर दो। टू एट वन जीरो इज द राइट आंसर।
जहाँ मैंने मीन वैल्यूज लिखाया था वहाँ एमजीएफ भी लिख दो इसका। आंसर आया था 2180 ना? हाँ जी 2810 आ रहा है यार। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 50 आ रहा है और वेरिएंस ऑफ एक्स आ रहा है 310। तो 310 प्लस 50 का स्क्वायर हो जाएगा ना 2810। बेटा कितना बच्चों वाला क्वेश्चन था। चलो अच्छा क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन ऑन द यूनिफॉर्म डिस्क्रीट यूनिफॉर्म। एमजीएफ लिख लिया जहां मीन वैल्यूज लिखवाया था मैंने, वहां पर ही एमजीएफ भी उतार लो। ई टू द पावर ए टी माइनस ई टू द पावर बी प्लस वन टी अपॉन वन माइनस ई टू द पावर ए टी बी माइनस ए प्लस वन। दिस इज द एमजीएफ ऑफ कौन सा वाला यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म जिसके ए और बी है ना स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू पैरामीटर्स हैं, करेक्ट है? लिख लिया वहां पर फॉलोज एक्स फॉलोज। जैसे एक्स आपकी प्रॉब्लम है, जैसे आप क्या करना चाहते हो, यू वांट टू काउंट समथिंग, सो दैट प्रॉब्लम फॉलोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। लिख लिया बेटा। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑन डिस्क्रीट यूनिफॉर्म। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, करना है, थोड़ी मेहनत लगेगी, नहीं होगा तो मुझसे करना है। सो एक्स इज अ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स इज अ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस रेंज ए ए प्लस वन ए प्लस टू डैश डैश बी। ये रेंज दे रही है उसकी आपको, है ना, विद मीन इज इक्वल टू सेवन, विद मीन इज सेवन एंड वेरियंस इज फोर, वेरियंस फोर है। कैलकुलेट एम एक्स वन, कैलकुलेट करना है आपको। यस, तभी हो पाएगा। जब तक ए बी की वैल्यू आ गई फिर तो पुट्टी करना है ना आपको, और टी को वन रखना है। और जब भी और बी की वैल्यू निकालो इस बात का खास ध्यान रखना है कि ए छोटा होगा बी से, बड़ा नहीं हो सकता, है ना बेटा?
ए कितना आया और बी, हाँ बी 7 भी आ रहा था क्या? अच्छा 3 आ रही, तो बी 3 छोटा नहीं हो सकता ना। हाँ जी राजेंद्र जी, अच्छा वो ठीक है, ठीक और वो हाँ अच्छा, कोई बात नहीं, मुझे ध्यान नहीं है कौन से वाले की बात कर रहे हो आप। क्लास में विंडो ही सी, विंडो में क्या प्रॉब्लम है उसमें? अच्छा तो उसमें गैस डाल दो यार। ठीक है ओके ओके ओके, हाँ ठीक, हाँ ठीक ठीक है, ठीक है MX1। अरे फॉर्मूला बताया ना, T को 1 पुट कर दो, क्या आंसर आया? E4 - E11 अपॉन 7 1 माइनस ई। E4 - E11 7 upon 1 - E। यस घर पे कर लेना E की वैल्यू सॉल्व। वैसे आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर खरीदा नहीं है अभी तक, 5000 आंसर आएगा। अगर न्यूमेरिकल की बात करोगे तो आंसर क्या आएगा इसका? 5000। सो दिस इज वी हैव डन डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन गाइस, इससे अच्छा नहीं बता सकता मैं इसको। ये लास्ट था, आपको पूरा समझ में आ गया राइट? 5000। हाँ जी बेटा, तो वी हैव डन डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन राइट। ए बी की वैल्यू बताओ बच्चों, 4 और 10 बेटा, बेटा 4 और 10। नेक्स्ट प्लीज। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज बर्नौली, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। बताओ यूनिफॉर्म की पहचान क्या थी, पहले तो मुझे बता दो आप। हाँ सबसे पहले इक्वल प्रोबेबिलिटी टू ऑल पॉसिबल वैल्यूज एंड ऑल द कंसेक्यूटिव वैल्यूज आर इवनली स्पेस विद द स्पेस ऑफ 1, है ना? दोनों केस याद है, पर्टिकुलर केस भी और वो भी, और एमजीएफ मैंने लिखवा दिया। ठीक है, पर्टिकुलर केस का एमजीएफ कैसे लिखोगे? ए को क्या करोगे? 1, बी को बन जाएगा पर्टिकुलर केस भी आपका। अरे पर्टिकुलर केस का एमजीएफ भी बन जाएगा ना आपका। हाँ मुझे इनका डेरिवेशन नहीं चाहिए, आपको करना है आप कर सकते हैं, मुझसे भी करवा सकते हैं, मुझे सिर्फ याद चाहिए। ठीक है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। देखो व्हाट इज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन सेज इज, आप क्या करते हैं शियोन, आपने कॉइन टॉस किया। जब भी आप टॉस करते हो कितने टॉस होते हैं एक बार में? एक। तो उस टॉस पे तो हेड आता है या टेल आता है, मतलब हेड आता है या हेड नहीं आता है, तो हम ऐसे बात करते हैं नॉर्मली, सक्सेस या फेलियर। तो जब भी हम किसी भी इवेंट की सक्सेस फेलियर की बात करते हैं, किसी एक इवेंट की, किसी एक इवेंट की सक्सेस फेलियर की बात करते हैं, वहां बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन लगता है। अब सक्सेस को डिनोट करते हैं क्योंकि अब अगेन सर सक्सेस फेलियर, पास फेल, ट्रू फॉल्स, हेड टेल, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर स्टडिंग रैंडम वेरिएबल्स। रैंडम वेरिएबल मीन्स वी कैन गिव द न्यूमेरिकल वैल्यू राइट, वी आर इंटरेस्टेड इन द, हमें पास फेल सक्सेस फेलियर में इंटरेस्ट नहीं है, गिव अस द न्यूमेरिकल वैल्यू। अरे समझे कि नहीं? तो वी असाइन द वैल्यू 1 टू द सक्सेस एंड 0 टू द फेलियर। 0 and 1 आर द नंबर्स वी कैन असाइन देम। 0 और 1 को हम बोलते हैं इंडिकेटर फंक्शन भी। क्या बोलते हैं? चन्नीत क्लास में आ गया, वी असाइन द वैल्यू 1, नहीं आया तो वी असाइन द वैल्यू 0, 0, 1, 0, 1 बाइनरी नंबर्स, याद है आपको?
पहले पुराने जमाने में जो कोडिंग चलती थी उसमें 0101 ही चलता था कोडिंग के लिए। कोई चीज प्रेजेंट है तो वन वैल्यू सेंड कर देते थे, एब्सेंट है तो जीरो सेंड करते थे। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, समझ में आया बर्नौली की बात कि नहीं? तो रैंडम वेरिएबल कैन ओनली, लिखो रैंडम वेरिएबल कैन ओनली टेक कौन सी वैल्यूज, जीरो एंड हाँ कैन ओनली इक्वल टू जीरो एंड वन, जीरो और वन। यस, तो वन यहां पर सक्सेस के लिए डाउन कर रहा है, जीरो फेलियर के लिए। देखिए कैसे, अगर मैं रैंडम वेरिएबल की बात ही कर रहा हूं तो एक्स लिख देता हूं, एक्स इज द रैंडम वेरिएबल, वन और जीरो, वन इफ 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 सक्सेस, सक्सेस कुछ भी हो सकता है बेटा, इफ फेलियर, फेलियर भी कुछ भी हो सकता है, सक्सेस कैन बी हेड ऑल्सो, सक्सेस कैन बी पास ऑल्सो इफ यू पास, सक्सेस कैन बी इफ यू विन द गेम, राइट? बट इन आर एक्चुअल वर्ल्ड क्लेम का आना इज नॉट अ सक्सेस, इट इज अ फेलियर। अरे एक्सीडेंट होना इज नॉट अ सक्सेस, अरे तो एक्सीडेंट होगा या एक्सीडेंट नहीं होगा, तो एक्सीडेंट नहीं होगा को सक्सेस मानेंगे ना, और हो गया को क्या मानेंगे, फेलियर। लेकिन हम पढ़ते पढ़ते इस बात को भूल जाते हैं क्योंकि हमारी सारी प्रॉब्लम्स में एक्सीडेंट और क्लेम होता है, तो हम एक्सीडेंट को सक्सेस मानना शुरू कर देते हैं और ये बहुत भयंकर गलती करते हैं हम लोग। एक्सीडेंट कभी भी सक्सेस नहीं होता, वो फेलियर होता है। नंबर ऑफ क्लेम्स, कितने क्लेम्स आए, तो दिस इज नॉट अ सक्सेस, दिस इज अ फेलियर। तो सक्सेस फेलियर आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू आउटकम्स, दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू आउटकम्स, दो आउटकम्स के रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि सक्सेस वन वैल्यू इफ इट्स हेड एंड फेलियर इफ इट व्हाट, टेल्स, अरे हेड टेल भी बोल सकते हैं ना, तो हेड टेल कैन बी सक्सेस एंड फेलियर। समझ में आ गया भाई कि नहीं आ गया? बस याद रखिएगा पहली बात, दोबारा से सब कुछ एक सेकंड के लिए भूल के, क्या बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी ट्रायल होंगी, अ ट्रायल, उस एक ट्रायल में या तो हेड आएगा या हेड नहीं आएगा, या तो एग्जाम पास होगा या पास, सक्सेस फेलियर। किसी सिंगल ट्रायल में सक्सेस फेलियर की बात है तो वो बात कर रहा है कौन से डिस्ट्रीब्यूशन की, बर्नौली। और ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली, डिस्क्रीट है ही कॉन्टिन्यूस, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में हम क्या बात करते हैं, अराइवल पैटर्न की वेटिंग टाइम, अराइवल हेड का आना या टेल का आना, चेन्नई के क्लास में आना या ना आना, अरे है कि नहीं, आपके फोन पे कॉल आना या नहीं आना, तो सक्सेस फेलियर की बात कर रहे हैं, राइट? सो रैंडम वेरिएबल कैन ओनली इक्वल जीरो और वन इज अ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे लिखते हैं बोर्ड पे देखें आगे, एक्स फॉलोज बर्नौली विद पैरामीटर पी, पी इसका पैरामीटर है, पी सक्सेस की बात करता है ना, तो इसका पैरामीटर क्या है बेटा, पी। तो पैरामीटर के बारे में बता दिया था ना मैंने आपको, क्या कहते हैं पैरामीटर, है ना? तो पी से पता चलता है इसके बारे में, इसका फंक्शन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज पी और वन माइनस पी को क्यू बोल सकते हैं ना बेटा, व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन एंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू व्हाट एंड वेयर पी प्लस क्यू मस्ट बी वन। अरे यही फंक्शन होगा ना, क्या मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ, इधर देखो शॉन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मेरे बेटा, पी टू द पावर वन माइनस एक्स इंटू क्यू टू द पावर एक्स वेयर एक्स इज जीरो एंड वन, एक्स को जीरो रख, रखो तो सही जीरो, पी आ रहा है उल्टा हो रहा है इसका मतलब, रुको एक मिनट फिर चेंज कर देता हूँ ना, वो मैच कर देता हूँ उससे, हाँ एक्स को जीरो तो क्यू, ये वन माइनस पी को क्यू बोलता है ना बेटा, एक्स को वन तो पी। अरे ऐसे भी लिखा जा सकता ना ये फंक्शन, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो बात एक ही है मेरे बेटा। अब देखो आगे, इसका मीन, इसका वेरिएंस, इसका एमजीएफ, ये सब हमें जानना है। तो इसका मीन है बेटा पी,
वेरियंस है पी क्यू, एम जी एफ है क्यू प्लस पी ई टू द पावर टी, ये इसका मीन वेरियंस और एम जी एफ एस डिस्ट्रीब्यूशन का। लिख लीजिए प्लीज, याद करने से फायदा है आपको, वरना मीन निकालो। एक्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पी प्रोबेबिलिटी से ना, दिस इनटू दिस क्या आंसर आया, दिस इनटू दिस, तो सम मीन पी। अरे ऐसे तो करते थे एक्स इनटू एफ एक्स, तो क्योंकि बहुत इजी है तो याद रखना अच्छा है। बर्नौली, बी ई आर का मतलब होता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर पी। पार्टी है तो ज़्यादातर हर क्वेश्चन बर्नौली ट्रायल से ही स्टार्ट होता है बेटा, ठीक है। हर क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा, बर्नौली ट्रायल। जब भी आप ट्रायल करते हैं तो बर्नौली होती है। एक बार बताओ, एक बार में दो एक्सीडेंट कैसे करोगे, या तो एक्सीडेंट होगा या एक्सीडेंट एक टाइम पे एक ही होगा ना, या तो होगा या नहीं होगा, तो इट्स अ बर्नौली ट्रायल ना। अरे बोलो भाई, डाइस रोल करोगे तो छः आएगा या छः नहीं आएगा, इट्स अ बर्नौली ट्रायल। तो या तो आप क्लास अटेंड करोगे या नहीं करोगे, इट्स अ बर्नौली ट्रायल, ठीक। तो ज्यादातर सारी प्रॉब्लम्स किससे स्टार्ट होती है, हमेशा बर्नौली। तो वेन एवर एग्जामिनर यूज द वर्ड बर्नौली ट्रायल, बर्नौली इज अ सिनोनिमस टू इंडिपेंडेंट ट्रायल्स ऑल्सो। बर्नौली इज अ सिनोनिमस टू, तो बर्नौली ट्रायल मीन्स हर ट्रायल कैसी होती है, इंडिपेंडेंट। जैसे दिखाता हूं, इस क्लास में ऑफलाइन क्लास में छह बच्चे बैठे हैं, ये छह बच्चे अपना अपना कॉइन टॉस करेंगे, क्या हर टॉस इंडिपेंडेंट होगा? अरे बोलो। और हर टॉस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा, हाफ, और टेल भी हाफ। तो बताओ मुझे, आरिका का डिस्ट्रीब्यूशन, आरिका के टॉस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या बर्नौली होगा विद पी इज इक्वल टू हाफ? चन्नीत का डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली होगा? अरे बोलो भाई, रितिका का डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली होगा? तो हर बच्चे का डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा ट्रायल है, बर्नौली ट्रायल। अब बताओ, इस क्लास में सब बच्चों ने अपना एक एक कॉइन टॉस किया, राइट, तो पूरी क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? दैट सिंगल ट्रायल इज रिपीटेड एन टाइम्स इंडिपेंडेंटली, इट बिकम्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इट बिकम्स व्हिच डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज बाइनोमियल? अब क्लास में सात बच्चे हैं इंक्लूडिंग रितिका, तो सात में से कितनों पे हेड आएगा, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ना। सो इफ इट इज अ कॉम्बिनेशन, इट इज बाइनोमियल। जैसे रितिका आरिका का टॉस सिंगल टॉस है, आर ट्रायल, चनित की आर ट्रायल है ना, सियोन की आर ट्रायल, सबकी आर ट्रायल ना, तो ये तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो सबकी ट्रायल कौन सी ट्रायल है, बर्नौली ट्रायल। एंड दैट बर्नौली ट्रायल इज रिपीटेड इन दिस क्लास इज हाउ मेनी टाइम्स, सेवन टाइम्स, सो इट बिकम्स व्हिच डिस्ट्रीब्यूशन। तो सात ट्रायल में से जीरो में भी हेड आ सकता है, वन में भी, और सात के सात में भी हेड आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो इट बिकम्स। सो बर्नौली ट्रायल को अब एड करते हैं तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है भाई, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल बर्नौली का बड़ा भाई। तो हर बच्चे का डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली है, और क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बाइनोमियल, बिकॉज दैट सिंगल ट्रायल इज रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स, एन टाइम्स इंडिपेंडेंटली, एन टाइम्स विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज पी एवरी टाइम, विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज एवरी टाइम। लिखो अंग्रेजी में, ये लिख लिया पहले, क्या हो सकता है बेटा, यूनिफॉर्म सिर्फ कॉइन टॉस के केस में हो सकता है, बात जैसे और बताओ, कोई और एग्जाम्पल, जैसे कॉइन टॉस लिया
रेंज आगे 0 और 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल कुछ भी लो हाफ है, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी टू ऑल पॉसिबल वैल्यूज एंड कंसिडर्ड वैल्यूज आर इवनली स्पेस्ड विद द स्पेस ऑफ 1, सो दैट इज अ यूनिफॉर्म अ पर्टिकुलर केस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो. अरे है कि नहीं? बट नॉट ऑलवेज ट्रू ना. अब डाइस का केस लोगे तो 1/6 आएगा, नहीं आएगा तो 5/6 आएगा ना, 1/6 थोड़ी आएगा. तो सक्सेस फेलियर हो गया ना. तो जहां भी वर्ड आ गया सक्सेस फेलियर इन अ सिंगल ट्रायल, इट इज अ मिस डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली. या तो आप क्लेम करोगे या नहीं करोगे, बताओ. जब भी एक्सीडेंट करते हो क्लेम कितने कर सकते हो मैक्सिमम? एक या मिनिमम कितने कर सकते हो? जीरो. तो या तो आप क्लेम करोगे या क्लेम और हर एक्सीडेंट, ऐसा तो है नहीं कि पूरे साल के सारे एक्सीडेंट इकट्ठे करके एक साथ गाड़ी लेके पहुंच गए वहां, भाई साहब क्लेम दे दो, देगा ही नहीं आपको. अरे है कि नहीं? तो हर क्लेम इज अ बर्नौली ट्रायल और उसपे आपको हो सकता है क्लेम मिले या क्लेम ना मिले. सक्सेस फेलियर की बात हो गई, या आप ले या ना ले, व्हाटएवर इट इज. लिखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां तक लिख लिया ये पूरा. डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी किसकी बात कर रहा है? सक्सेस फेलियर की. लेकिन एक ट्रायल में नहीं, एन ट्रायल्स. ट्रायल एक से ज्यादा हो गए ना, अगर एक ही ट्रायल होगी तो बर्नौली हो जाएगा, और एक से ज्यादा हो जाएगी तो कौन सा हो जाएगा? बाइनोमियल. लिखो अंग्रेजी में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन काउंट्स काउंट्स द नंबर ऑफ सक्सेस काउंट्स द नंबर ऑफ सक्सेस in a sequence of n independent Bernoulli trials. In a sequence of binomial distribution counts the number of success in a sequence of n independent Bernoulli trials. N independent Bernoulli trials, comma, where each trial has a success probability of p. Where each trial has a success probability of p. Watch here on the board. Yi follows Bernoulli with parameter p, where I vary from 1 to dash dash n, and x, which is sum of all the trials, I 1 to n, follows binomial distribution NP. Means what we want to write here is that sum of Bernoulli is binomial distribution. Sum of Bernoulli is what? Binomial. मैंने कहा ना हर बच्चे का ट्रायल इस क्लास में Bernoulli था कि नहीं था, और पूरी क्लास का ट्रायल क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा था? बाइनोमियल. तो सम ऑफ बर्नौली इज बाइनोमियल हुआ ना. दैट ट्रायल इज रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स? एन टाइम्स इंडिपेंडेंटली. तो वाई आई बर्नौली फॉलो करता है. ये वाई आई आप लोग हैं, आपका ट्रायल वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई सेवन. तो आप सबके सम का डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा हो गया? बाइनोमियल 7, P. तो सम ऑफ बर्नौली इज बाइनोमियल. एन कोमा पी, बिकॉज ट्रायल पहले पी था पैरामीटर, अब कितने ट्रायल्स होगी? एन ट्रायल्स होगी, बिकॉज दैट सिंगल ट्रायल इज रिपीटेड एन टाइम्स. अरे इस क्लास में 7 बार, तो इस क्लास के हिसाब से 7, P हो गया. ठीक है, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वो हर बूंद बर्नौली है और वो घड़ा बाइनोमियल है. कहता है एक एक ईंट से दीवार बनती है, तो वो एक ईंट बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है और वो दीवार बाइनोमियल है. अरे है कि नहीं?
अच्छा अभी तो शुरुआत ही की थी क्या? एक से तो इनके साथ है ना मेरी, हाँ ऑनलाइन भी है। एक बज गया, लेट भी शुरू हुआ था ना, 1:10 हो गया। अच्छा तो सम ऑफ बर्नौली बायनोमियल देखो फॉर्मूला क्या है इसका। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स 0, 1, 2 --n विद मीन एन पी। बताओ बर्नौली का मीन क्या था? नहीं बर्नौली का मीन एन को वन कर दो ना। वेरिएंस क्या था बर्नौली का? एन को वन कर दो। अरे एक ट्रायल होगी तो बर्नौली ना। एमजीएफ क्या था? क्यू प्लस पी टू द पावर टी था ना, इसको एन टाइम्स रिपीट कर दो। दिस इज द फॉर्मूला मीन एंड वेरिएंस इन एमजीएफ फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लिखो नोट। नोट लिखो आइडेंटिफाइंग बाइनोमियल। आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रॉब्लम बाइनोमियल से होगी? आइडेंटिफाइंग बाइनोमियल। नंबर वन, अ फिक्स्ड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। अ फिक्स्ड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स दिस इज क्लास में 7 फिक्स्ड है। फिक्स का मतलब चेंज नहीं होगी बार बार। नंबर टू, ईच ट्रायल हैज 2 पॉसिबल आउटकम्स, जैसे सक्सेस फेलियर, ट्रू फॉल्स, डिफेक्टिव नॉट डिफेक्टिव, पास फेल। ईच ट्रायल हैज 2 पॉसिबल आउटकम्स। तो जिस भी किसी प्रॉब्लम में सक्सेस फेलियर, ट्रू फॉल्स, डिफेक्टिव नॉट डिफेक्टिव इसकी बात होगी तो बायनोमियल में लग गया ना। तीसरा, सक्सेस नंबर ऑफ सक्सेस इज अ रैंडम वेरिएबल। नंबर ऑफ सक्सेस इज अ रैंडम वेरिएबल। बोर्ड पे देखो, ये बताऊंगा अभी ध्यान से बड़े अच्छे से। इस क्वेश्चन की खास बात, ट्रायल्स आर फिक्स्ड, सक्सेस इज अ रैंडम वेरिएबल। कैसे चेक करो? ट्रायल्स तो एन है तो सक्सेस तो 0 भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी और एन भी। अरे 7 बच्चे क्लास कॉइन टॉस करेंगे क्लास में, तो ट्रायल फिक्स्ड है। अब हेड कितने आ सकते हैं बताओ? कितने भी आ सकते हैं। तो हेड इज रैंडम वेरिएबल ना, मतलब सक्सेस इज रैंडम वेरिएबल बट द ट्रायल्स आर फिक्स्ड। यही कहना चाह रहा था पहले वाले पॉइंट में, यही कह रहा था। देखो ना, फिक्स्ड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स मतलब ट्रायल फिक्स्ड है ना, तो ट्रायल और फिक्स को अंडरलाइन कर दो। और लास्ट वाले पॉइंट में, हाँ, एक्स इज द नंबर ऑफ सक्सेस, तो सक्सेस रैंडम वेरिएबल कर दो उसको। एक्स तो रैंडम वेरिएबल ना हमारा। हाँ जी ठीक है बेटा। सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी और भी कुछ बाकी है पर इतना तो हो गया आपका, ठीक है। सो वी हैव डन यूनिफॉर्म बर्नौली एंड बायनोमियल। सो टुमारो वी विल डू पॉइजन, जेमेट्रिक एंड नेगेटिव बायनोमियल। 3 तो करेंगे कल, कल कम से कम, ठीक है। कल ज़्यादा हो जाएंगे, 3 ही हो जाएंगे बस। आराम आराम से करो, इनको पहचानना है, दोस्त बनाना है इनको अपना, ठीक है। मुझे सिर्फ आपसे याद है, मैं तो हर चीज़ लिखवा रहा हूँ आपको, कैसे पहचानोगे, कैसे बना है, क्या है, बना के भी दिखा सकता हूँ मैं। वो समय बाद में आएगा, जब चैप्टर 3-4 कर रहे होगे तब बना के भी देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।